ओके सो वेलकम बैक। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ आरटीपी फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर द अटेम्प्ट नवंबर 20। सो एज यू ऑल आर अवेयर कि नवंबर 20 के लिए आरटीपी आ गया है एंड अब उसमें से अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज क्वेश्चन नंबर 3। आप भी अपना आरटीपी खोल लीजिए या वेट करो, डोंट ओपन योर आरटीपी एज ऑफ नाउ, यू कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं पहले आप लोगों को पूरा एक आइडिया दे देता हूं एंड देन वी विल मूव। अगर आप लोग ने मेरा अभी रिसेंट वाला एक वीडियो भी मैंने ओवरव्यू का डाला था वो अगर आप लोग ने देखा होगा तो मैंने उसमें देखो आप लोग को बताया है कि कौन से चैप्टर में से क्या वेटेज उन्होंने इन जनरल आईसीआई ने पूछा है एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब अपन डिस्कस करने वाले दैट इज रिलेटेड टू वैल्यू चेन एनालिसिस एंड टारगेट कॉस्टिंग। वेरी डिसेंट सम, आई नॉट से डिफिकल्ट, बिकॉज जब आप उसको समझ जाओगे ना तो आपको लगे अरे वाह यार ये तो कितना इजी और स्कोरिंग था, बट द सम्स लेंथ इज प्रीटी हाई एंड अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत यू नो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। इफ यू आर एबल टू डू दैट ये सम को अपन बहुत इजिली क्रैक कर पाएंगे। सो हियर इज द सम क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्या सिस्टम अप्रोच करने वाला हूं कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। क्वेश्चन पूरा समझाने के बाद मैं आप लोगों के साथ आंसर डिस्कस करूंगा एंड देन व्हेन यू आर फ्री आप लोग भी अपने हिसाब से पूरा क्वेश्चन और आंसर देख सकते हो। बट मैं जब आपको समझाऊंगा ना आई गारंटी मेजोरिटी ऑफ द चीजें विल बी क्लियर ऑन द स्पॉट, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द न्यूमेरिकल्स तभी का तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो परवाह नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है खाली यहां पे मेरे ऊपर फोकस करना है, लुक इनटू माय आईज एंड यू विल बी थ्रू। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज बेस्ड ऑन वैल्यू चेन एनालिसिस। सो आप लोग के ईज के लिए बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या किया है मैंने यहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन का समरी बना दिया है। जी हां, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो एक्स एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी हां, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा हैमलेज नाम सुना है या लीगो टॉयज ऐसा कुछ नाम सुना है तो बस उससे कनेक्ट कर दो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग अ सम ऑन केस स्टडी, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, उस हिसाब से आपको सोचकर ये सम को सॉल्व करना है एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्रैक इट विद ईज। सो हु आर यू? यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, द सीईओ ऑफ द कंपनी। अपना कंपनी क्या करता है? अपना कंपनी हैमलेज है या लीगो है या एक्स है, एज इन दिस एग्जाम्पल वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टॉयज एंड वी आर अ बिग ब्रांड हु मैन्युफैक्चर टॉयज। अपना सिस्टम क्या है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब अपने को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो पहले अपन लोग को रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो अपने पास बहुत सारे मटेरियल सप्लायर्स है। सो देर आर अ लॉट ऑफ मटीरियल सप्लायर्स जिनके पास से अपन लोग मटीरियल मंगवाते हैं, देन वी स्टोर इट इन आवर वेयरहाउस। वेयरहाउस से वो अपने प्रोडक्शन एरिया में जाता है जहां पे टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, उसके बाद में इट इज सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट। ये एक्सटर्नल मार्केट दो तरीके के हैं, एक है रिटेल शॉप्स जहां से ये सेल होता है एंड दूसरा है वेबसाइट, बिकॉज वी ऑल नो कि आज की तारीख में वेबसाइट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दीज आर द टू प्लेसेस जहां से अपना ये टॉय सेल होता है। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो क्या है एक हैमलेज, क्या है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? बहुत सारे सप्लायर्स के पास से रॉ मटेरियल खरीदती है, वो रॉ मटेरियल खरीद के अपने वेयरहाउस में स्टोर करती है, वेयरहाउस में स्टोर करने के बाद जब उसको प्रोडक्शन करना है तो अपने प्रोडक्शन एरिया में लेके जाते हैं, वहां पे प्रोडक्शन हो गया फिनिश गुड्स का, फिनिश टॉयज का, उसके बाद में रिटेल आउटलेट्स एंड दूसरा वेबसाइट्स के थ्रू ये टॉयज सेल हो जाता है। सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है अभी तक का इस कंपनी का। अब हाल ही में इस कंपनी को कॉल आया एक आउटसाइड एजेंसी का जो बोल रहे हैं कि हमारे को टॉयज चाहिए एंड कैफा टॉयज चाहिए, पता है हमारे को टॉयज चाहिए कॉल्ड एज TYZ विच इज लाइक अ मिनी कार्टून। एंड आपको पता है कौन मंगवा रहा है ये टॉयज? एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से, हॉलीवुड में एक फिल्म बन रही है एंड उनको
टॉयज के ऊपर एक कुछ मूवी बनानी है एंड दे आर आस्किंग फॉर द टॉयज. सो जो अपनी कंपनी है वाले वाले यार वाह वाह क्या बात है, वी विल सप्लाई यू सर डोंट वरी. बट जो डायरेक्टर है जिसने अपने को कॉल किया था ना, उसने बोला कि देखो हम आपके पास से लेने के लिए रेडी हैं, बट मैं डायरेक्टर हूं, मेरे को है ना 10% कट चाहिए मेरा. मतलब आप जितने में भी हमको सेल करोगे, देखो पैसा प्रोड्यूसर देने वाला है, प्रोड्यूसर के पास बहुत पैसा होता है, तो प्रोड्यूसर पैसा देगा, जो भी आपको मिलेगा उसमें से 10% डायरेक्टर के पास जाएगा. एंड प्रैक्टिकली फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा होता है. जी हाँ, आप लोग ने कई बहुत सारी मूवीज देखी होगी, तो बहुत सारी मूवीज में ब्रांड्स रन होते हैं, तो कई बार ये ब्रांड्स को अलग से डायरेक्टर को पैसा देना पड़ता है, सो दैट द डायरेक्टर विल थिंक इन दैट वे, डायरेक्ट द मूवी इन दैट वे, सो दैट देयर ब्रांड इज ऑल्सो प्रमोटेड. तो ऐसे ही कुछ अपने टॉयज के साथ है, अपन टॉयज उनको सप्लाई करने के लिए रेडी है, 10% डायरेक्टर बोलता है मेरा कट मेरे को चाहिए. अब देखो कैसे पता है ये नया टॉय है, टीवाईजी मार्केट में नया है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर टीवाईजी, जैसा आप देख सकते हो. सो इसका एज सच रेडी मार्केट नहीं है. सो अपन वी एक्स इज रेडी टू इज फ्री टू कीप अ सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स ओन, तो अपने हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने थोड़ा एनालिसिस किया और उसके एनालिसिस के बाद मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि सर वी विल हैव टू कीप अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 1750. सो मार्केटिंग मैनेजर हैज केप्ट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1750. अपनी कंपनी का पॉलिसी है दैट वी हैव अ मार्जिन ऑफ 26% ऑफ सेलिंग प्राइस व्हेनेवर वी सेल अ प्रोडक्ट. तो अपने को ये टॉय बेचने का है तो मार्केटिंग मैनेजर को अपन बोल देंगे भाई 1750 का अगर अपन लोग बेचने वाले हैं तो याद रखना उसमें अपने को 26% मार्जिन चाहिए, वी नीड मार्जिन ऑफ 26%. जी हाँ, ही सेड ओके सर नो प्रॉब्लम. फिर इमीडिएटली अपन लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अपने कॉस्ट मैनेजर्स को कि भाई ठीक है ये हमारा जो टी वाई जी है ये बनाने का कॉस्ट कितना होगा. मटीरियल सी लगेगा, किसी ने बोला मटीरियल डी लगेगा, लेबर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओवरहेड, स्पेसिफिक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अदर मटीरियल एंड ऑल ऑफ दीज कॉस्ट्स विल बी इंकर्ड. समझ में आया, कहानी यहां पे खत्म. तो अब आप जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो सर हमारा रोल क्या है, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है कि क्या इनके यहां पे कोई कॉस्ट गैप है. सर ये कॉस्ट गैप क्या होता है, मैं हूं ना मैं समझाऊंगा ना आपको, क्यों टेंशन लेते हो. सो पहले आपको फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट गैप है. सेकंड, अगर कॉस्ट गैप है देन इन दैट केस ये कॉस्ट गैप को अपन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. वेरी ब्रिलियंटली फ्रेम्ड क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन वो अपने को पूछ रहा है कि वेदर कॉस्ट गैप एग्जिस्ट्स, वेदर कॉस्ट गैप एग्जिस्ट्स, बोलिए. और अगर यस, इफ द आंसर इज यस, इफ द कॉस्ट गैप एग्जिस्ट्स, क्या होता है कॉस्ट गैप समझा रहा हूं, डोंट वरी. इफ द कॉस्ट गैप एग्जिस्ट्स देन इन दैट केस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस आप ये कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपको बताना है. सो कॉस्ट गैप है, अगर है देन इन दैट केस हाउ आर यू गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. समझ गुरु, क्या आप लोग को मेरी मूवी का जो पूरा सीन है वो क्लियर हो गया है, यस और नो. दो मिनट में वापस से समझाता हूं, फिर अपन लोग ओरिजिनल सम के ऊपर चलेंगे, पूरे सम को रीड कर लेंगे. इमीजिएटली मैं कनेक्ट करवा दूंगा आपको मेरे ये डायग्राम के साथ. सर हमको भी ये डायग्राम आपका वाला चाहिए, मिल जाएगा, डोंट वरी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूं एंड आई विल शेयर दिस इन द टेलीग्राम लिंक, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. जी हाँ, सो नाउ वापस से ध्यान से सुनना. स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपन ओनर है एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के. जब अपने को टॉय मैन्युफैक्चर करना है तो अपने को रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल अपने को सप्लायर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सप्लायर्स अपने को सप्लाई करते हैं. वो चीज अपने पास मटेरियल आ जाती है, अपन उसको वेयरहाउस में स्टोर करते हैं. जब अपने को प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो प्रोडक्शन फ्लोर पे ले आए, प्रोडक्शन कर दिया, फिनिश टॉयज रेडी. उसको सेल करने के लिए अपने दो आउटलेट है, एक रिटेल आउटलेट, दूसरा वेबसाइट ऑनलाइन. ये अपना करंट सिस्टम चल रहा है. अब अचानक से मुझे कॉल आया, हेलो
हेलो तो सीन टू क्या बोलता है कि भाई अब मेरा जो टॉय मैन्युफैक्चर मेरे को करना है उसके लिए अब आप लोग को एक नया टॉय चाहिए जिसका नाम है टी वाई जी। अब ये जो टी वाई जी है ये एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर को फिल्म डायरेक्टर को चाहिए फॉर देयर मूवी और एक बहुत बड़ी एनिमेटेड मूवी है उसके लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं तो आपका भी बहुत अच्छा ब्रांड प्रमोशन होगा वी आर वेरी हैप्पी। अब बिकॉज ये न्यू प्रोडक्ट है बिकॉज ये न्यू टॉय है इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस नहीं है सो यू आर फ्री टू कीप द सेलिंग प्राइस बट जो भी सेलिंग प्राइस रखो 10% आपको डायरेक्टर को देना है जी हां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी सेलिंग प्राइस रखोगे उसमें 10% तो गया हमारे डायरेक्टर को। मार्केटिंग मैनेजर ने एनालिसिस के बेसिस पे बोला कि सर इसका सही सेलिंग प्राइस होगा 1750 तो 1750 इज द सेलिंग प्राइस 10% डायरेक्टर को देना है एंड अपनी कंपनी का फिक्स है कि भाई अपने को 26% का मार्जिन चाहिए ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन सेल ऑफ दीज टॉयज तो ये टॉयज को सेल करने के लिए 26% मार्जिन अपन लेंगे सेलिंग प्राइस पे नो प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं इसके कॉस्ट कितने हैं तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के अपने पास कॉस्ट आ गए हैं यूजिंग दीज कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या कोई कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता है और अगर हां देन इन दैट केस ये कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आर वी क्लियर एवरीबॉडी सो ये था आप लोग का पूरा क्वेश्चन ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू ये आप लोग को अभी फिलहाल ड्रॉ करने के पीछे टाइम वेस्ट मत करना आपको ड्रॉ करना आप कर सकते हो वीडियो पॉज करो और ड्रॉ कर लो बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगा अब मैं चलूंगा आप लोग के साथ सीधा का सीधा क्वेश्चन के ऊपर एंड एक बार क्वेश्चन रीड कर लेंगे रिकनेक्ट कर लेंगे इस केस के साथ एंड देन आई थिंक वी विल बी थ्रू टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ठीक है। चल आइए यविया सो ये है वो क्वेश्चन नंबर थ्री अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जिसका अभी आप लोग के साथ मैंने चर्चा जिक्र किया। लेट्स स्टार्ट एंड रीड इट बिकॉज मैं आप लोगों को स्टोरी समझा चुका हूं वी कैन रीड इट क्विकली एंड एकदम इमीडिएटली आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे। आइए एक्स इज अ लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैविंग कमेंस्ड इट्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन द ईयर 1990 फर्म हैज स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया इट सेल्स टॉयज थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड द फर्म्स वेबसाइट। क्या रे बोला मैं तुमको कि क्या करता है वो इट सेल्स इट्स थ्रू वेबसाइट एंड रिटेल आउटलेट्स सही है ठीक है। सर क्या हम लोग ये केस स्टडी का ऐसा जो आपने समरी बनाया बना सकते हैं बनाना ही है पूछ क्या रहे हो आई मीन दिस इज डीम्ड दिस इज अस्यूम्ड दिस यू हैव टू नो इट यू हैव टू ड्रॉ इट एज इट इज यस मस्त वाला मार्क्स मिलेगा और समझ में भी बेटर आएगा। थैंक यू लेटर ओके अच्छी लगी वो बात तो थैंक यू बोल सकते हो यार कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे कमेंट बॉक्स दिया है तुम्हारे को इसी के लिए दिया है। चलो एक्स हैज बीन पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी इन टॉयज एंड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ टॉयज इन द मार्केट सो अपना पूरा फोकस क्वालिटी एंड सेफ्टी टॉयज के ऊपर है ठीक है। X's mission is to influence parents to spend on toys that enable every child to grow with a quality toys that contributes to his or her wholesome development. So, देखो toys बेचना है तो toys बेचने वाले आप किसको हो ideally you your consumer is the kid but पैसा तो kid नहीं दे पाएगा so you have to actually convince the parent याद रखना so you should ideally know your consumer. You may feel that your consumer is the kid, but no, it is actually the parent who is your consumer. Chalo, aage badhte hain. X procures the materials from a number of different suppliers. All of the purchased materials are dispatched to its warehouse located at its factory and are held there unless they are moved to production. Theek hai, no problem. So, apne paas bahut sare suppliers ke paas se raw material aata hai. Wo apan log apne warehouse mein rakhte hain. जब तक उसको प्रोडक्शन के लिए मूव ना कर ले
फिर प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे, वहां से फिनिश टॉय बनेगा एंड देन फिर उसको या तो अपन लोग वेबसाइट के थ्रू सेल कर देंगे या फिर रिटेल में बेच देंगे. आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड फिनिश टॉयज आर मूव टू एक्सेस रिटेल बाय इट्स ओन व्हीकल्स. ईच वीक व्हीकल्स फॉलो द सेम टाइम शेड्यूल रिगार्डलेस द वेट दे आर कैरिंग. फिनिश टॉयज दैट आर सोल्ड थ्रू एक्सेस वेबसाइट आर डिस्पैच टू ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. एक्सेस रिसेंटली गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू टॉय दैट इज TYZ. बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. अ मिनी कार्टून बेस्ड ऑन कैरेक्टर फ्रॉम अ फेमस इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म. एक्स हैज नॉट बीन गिवन अ टारगेट प्राइस, हेंस इट इज फ्री टू सेट द सेलिंग प्राइस ऑफ TYZ. एक्स हाउएवर मस्ट पे अ रॉयल्टी ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस टू द फिल्म डायरेक्टर. एक्स इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल TYZ थ्रू इट्स रिटेल आउटलेट्स. तो बेचना ही है. देखो और क्या है, पता है कि ये एक फेमस एनिमेटेड मूवी में आने वाला है, सो यार इसकी तो धूम मचेगी, बराबर है. सो वी विल बी एबल टू सेल इट थ्रू आर रिटेल आउटलेट. ठीक. एक्सेस डिसाइडेड टू फॉलो अ टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक फॉर TYZ. कॉन्ग्रेचुलेशन. मार्केटिंग मैनेजर हैज डिटरमाइंड द सेलिंग प्राइस टू बी अराउंड ₹1750 पर TYZ. X needs a margin of 26% of the selling price of TYZ. So can I say scene 2 भी अपने को पूरा क्लियर हो गया. So selling price है, royalty of director, margin of the firm. ठीक, right? Okay. For the estimated cost per TYZ, refer annexure. तो ये रहा annexure. Discuss three primary activities of value chain through which X can minimize gap if any. तो अगर कुछ target cost gap है सर, वो क्या होता है मैं बताता हूं. Then in that case अपने को उसको minimize करना है using the concept of value chain analysis. एनेक्शर में उन्होंने कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट दिए, मटीरियल सी डी, अदर मटीरियल, लेबर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड फाइनली वी विल नाउ बी कंप्लीटिंग द रीडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अब अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कि कितना उनके बीच में कॉस्ट गैप है. सेकेंड, अगर वो है तो उसको वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. क्या बोला, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अब तो एकदम दिमाग में सीमेंट हो गया होगा इतनी अच्छी तरह से कि कब वापस आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा तो फिर भी ये सम को सॉल्व कर पाओगे. प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस. ग्रेट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. उसके पहले 2 मिनट आप लोगों को लेके एक रीड करना पड़ेगा. बनता है यार, बनता है. अगर आपको यहां पर वंस एंड फॉर ऑल डन करना है मेरे साथ तो एक बार क्वेश्चन खुद से रीड करो, बिकॉज इतना सारा था तो आई एम श्योर आप लोगों का थोड़ा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुआ होगा. और अगर हाँ, देन इन दैट केस इट इज पॉसिबल कि आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया होगा, तो रीड कर लो, कनेक्ट हो जाएगा वापस. स्टार्ट रीडिंग. आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स. चलो ओके. आप लोग को और टाइम चाहिए रीड करने का, आप लोग पॉज करके पढ़ लो, मेरे पास टाइम की कमी है. सो आई विल हैव टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो बात कुछ ऐसी है कि अपने को पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया. सर ये हम लोग बनाए क्या? अरे मैंने बोला ना बाबा, अपने मेरे टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, वहां से उठा लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई. प्लीज अभी फिलहाल सॉल्यूशन पे ध्यान दो ना. पहली चीज क्या पूछे, वेदर कॉस्ट गैप एग्जिस्ट. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये कॉस्ट गैप होता क्या है. क्या बोला मैं, कॉस्ट गैप होता क्या है. तो कॉस्ट गैप का मतलब होता है कुछ ऐसा. एक होता है एंटीसिपेटेड कॉस्ट, कि भाई कितना मेरा कॉस्ट लगने वाला है. दूसरा होता है मेरा टारगेट कॉस्ट, कि भाई कितना मेरे को कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना ही है. सो डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को क्या कहते हैं बच्चा? करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट गैप, इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट गैप। तो सबसे पहले अपने को फाइंड करना लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या कॉस्ट गैप है। तो चलो देखते हैं, समझ में तो आ गया। तो चलो देखो टारगेट कॉस्ट कितना है इसका, टारगेट कॉस्ट कितना है इसका बताओ। तो टारगेट कॉस्ट मैं आपको बोलता हूं कि कितना है। देखो अपने पास मार्केटिंग मैनेजर ने सेलिंग प्राइस बताया अपने को कितना, सर रुपीज 1750, सर रुपीज 1750 का। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास डायरेक्टर आएगा, बोलेगा चलो भाई मेरा 10% रॉयल्टी दो, मेरा 10% रॉयल्टी दो। अपन बोलेंगे हाँ सर नो प्रॉब्लम, आप तो बड़े आदमी है सर, लेके जाइए रॉयल्टी, दे दिया। फिर दूसरा मेरे को मेरा कंपनी का बॉस आके बोलेगा कि भाई देख तेरे को जो भी करने का कर, बट मेरे को मेरे हर सेल के ऊपर 26% मार्जिन चाहिए, 26% मार्जिन इज व्हाट आई वांट। सो 26% ऑफ 1750, टेल मी कितना होता है। सो इट इज 455। सो भाई देखो 455 तो मेरे को हर प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए ही चाहिए एज माय मार्जिन। तो मार्जिन प्लस रॉयल्टी देने के बाद अब मेरे पास जो बचता है कैन आई से, वो मैं उतना कॉस्ट इंकर कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज द टारगेट कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एज द टारगेट कॉस्ट। बोलो कितना आता है, 1750 माइनस 175 रुपीज 1120। बराबर है, तो टारगेट कॉस्ट तो एकदम क्लियर है, मक्खन, अरे बोलो मक्खन। हाँ चलो अब सामने देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट अपना कितना इंकर हुआ है। तो राजा एक्चुअल कॉस्ट के लिए मेरे पास ये पूरा वो लोग ने एनेक्शर दिया हुआ है, एज इट इज छाप लेते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है पब्लिक बराबर के नहीं, तो एज इट इज छाप लेते हैं। आओ सो एक्चुअल कॉस्ट में मेरा क्या क्या इंकर होने वाला है देखो रे। एक तो है मटीरियल सी, दूसरा है मटीरियल डी, और लेबर, देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओवरहेड, स्पेसिफिक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओवरहेड, स्पेसिफिक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक लास्ट में डाला है वो लोग ने गूगली अदर कॉस्ट का। चलो ये फटाफट लिखते जाते हैं। मटेरियल सी कितना रे बाबू, ओ बाबू मटेरियल सी का कितना रे, 150.5, 122.5। ओके देन लेबर 420, 132.3। So 420 and 132.3, 420। वाह वाह, आप जैसे आर्टिकल क्लर्क का भी नंबर आ गया यहाँ पे, तो वाह बहुत अच्छे, 166.6 एंड लास्ट अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट के लिए वो डायरेक्टली नहीं दे रहा है, हीरो बन रहा है, बनने दो ना, अपन भी कम नहीं है भाई। सो ईच टीवाईजी रिक्वायर 0.7 kg और हर किलो का है ₹280 per kg, उसमें से 5% डाउनग्रेड, तो 5% से अपने को ग्रॉसअप करना पड़ेगा, समझते हो कि नहीं उतना, ये फाइनल वाले है यार। सो देखो 0.7 kg इंटू 280 per kg, चल इतना समझ में आ गया, कितना आता है बोलो,
तो हो गया 196. दिस 196 रुपीज इज नॉट 100, इट रिप्रेजेंट्स 95%. यस, क्योंकि 5% डिग्रेड होता है. सो 100% कितना होगा? कैन आई से इट इज 206.32. ये समझ में आया क्या आपको बच्चा? अरे बच्चा समझ में आया क्या? ये होता है 206.32. And ladies and gentlemen, the actual cost is equal to, चलो उसके ऊपर तुम लोग कैलकुलेशन करो, बट मैं ये वापस से समझा देता हूं. देखो 0.7 केजी लगेगा, बट वो 0.7 केजी में थोड़ा डाउनग्रेड होता है. मतलब एक्चुअली इफेक्टिवली क्या होगा पता है क्या? 0.7 रिप्रेजेंट्स 95, मतलब उतना नेट मेरे को चाहिए. मेरे को नेट 0.7 चाहिए, मेरे को नेट 0.7 केजी नेट मेरे को चाहिए. तो अब ये तो नेट मेरा 100 नहीं 95 है, तो 100 कितना होगा? तो कितना केजी होगा? करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 100 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 95, सो आता है 73.68 इंटू 280 करोगे तो भी आपको यही सेम 206.32 आ जाएगा. चलो एक्चुअल कॉस्ट का टोटल निकालते हैं. 150.5 122.5 420, आर्टिकल क्लर्क 132.3 166.6 206.32 and 1198.22. तो हमने सोचा था कि 1120 में अपना काम हो जाएगा, बट ओ गॉश 1198 का खर्चा हो गया. इसका मतलब देयर इज अ कॉस्ट गैप, इसका मतलब देयर इज अ कॉस्ट गैप. तो अपन लोग का कितना एक्चुअल में एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है? कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है? कह रहे से 1198.22 माइनस 1120 इज इक्वल टू कितना? Can I say ₹78.22 is the cost gap? समझ गए? आर यू क्लियर एवरीबॉडी? तो 78.22 का मेरा कॉस्ट गैप आ रहा है, एंड दैट answers द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कैसा लगा? सो देखो whether cost gap exists? Yes. If yes, उसको रिड्यूस करो. तो कैसे रिड्यूस करोगे? उन्होंने बोला यूजिंग वैल्यू चेन एनालिसिस. तो अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके ट्राई करना है कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस करोगे. चलो उसके ऊपर मैं आऊं. यस यस, वो भी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, परवाह नहीं. और उसके पहले क्यों ना आप लोग दो मिनट लेके इसको लिख ले. एक मिनट दे रहा हूं, पॉज करके लिख लो. या आप लोग का स्पीड अच्छा है और आप लोग मेरे साथ ही लिखते आए होंगे, then in that case अभी भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Your time starts now. Come on. तो फटाफट इतना सा पार्ट है लिख लो, so that things will be okay. हाँ, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये वाला भी शेयर करूंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है. बट फिर भी मेरा एक फर्ज है, वो मैं निभाऊंगा. क्यों? सही है. चल डन. एक बार देख लो, ध्यान से एनालाइज कर लो, एंड देन आई विल स्टार्ट नाउ विद द सेकेंड पार्ट. चलो, सो लेट्स मूव ऑन नाउ. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं. वो बोलता है कि भाई कॉस्ट को रिड्यूस करो ना यार. चलो कॉस्ट गैप तो तुमने निकाल लिया, अब अपने को तो यार पर यूनिट 78 रुपीज कम करना है यार.
तो कैसे कम करे सर, आप ही बताओ। चलो बताते हैं। तो देखो यहां पे आपको वैल्यू चेन एनालिसिस देखना है। वैल्यू चेन एनालिसिस एक शॉर्ट में आपको बताता हूं क्या होता है। मिस्टर माइकल पोर्टर है ना, उन्होंने अपने एक बुक 1980s में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कॉम्पिटिटिव एज। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए अपनी खुद की कंपनी के लिए, देन इन दैट केस आपको दो चीज पे फोकस करना है। आज से 30 साल पहले वो बंदे ने एक विजन के साथ लिखा था। उसने बोला कि दो चीज चाहिए, एक आपको कॉस्ट एडवांटेज लाना पड़ेगा, दूसरा आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज लाना पड़ेगा, जो मैं इसी आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस करूंगा। तो उसने बोला कि कॉस्ट एडवांटेज अगर आपको लाना है तो मार्केट में जब जो सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है ना उससे कम में आप बेचने का ट्राई करो। तो जब आप वो करोगे तो कम में बेचोगे कैसे, तो आपको कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप कॉस्ट को एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो। और माइकल पोर्टर ने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में एक्टिविटीज को डिवाइड किया, जिसमें भी अपना फोकस है ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्कस 3 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। माइकल पोर्टर भाई ने बोला कि भाई देखो तुम लोग के पास टोटल 5 एक्टिविटी होगा। वो एक होता है इनबाउंड, दूसरा होता है ऑपरेशंस, तीसरा होता है आउटबाउंड, चौथा होता है मार्केटिंग एंड सेल्स, और पांचवा होता है आफ्टर सेल्स। उसने बोला कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर आप इन प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर अपनी कमांड जमा देते हैं, अपनी कमांड जमा देते हैं, then in that case you will be able to reduce the cost to the minimal level possible. तो अब अपने को for our client अपने को value chain analysis use करके करना है। अब सबसे पहले अपन लोग reduce करने की कोशिश करेंगे inbound activity। देखो inbound activities में क्या होता है, inbound activity relates to the purchasing of raw material। तो अब यहाँ पे अपन लोग जो purchase of raw material कर रहे हैं, can I say it is through several suppliers and ये several suppliers से आके अपन लोग क्या करते हैं, इसको warehouse में store करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, क्यों ना अपन लोग lean system and innovation का lean one use करें यहां पे। If you are able to use lean one, कौन सा lean one, बोलो tell याद करो। Correct, lean one is just in time, lean one is just in time. So lean one just in time अगर अपन लोग यूज करते हैं तो कहने से अपना ये अननेसेसरी का जो वेयरहाउस स्टोरिंग का कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी मच कोऑर्डिनेटेड विद आवर सप्लायर्स। अगर वैसा हो सकता है कोऑर्डिनेशन टू आवर सप्लायर्स, बाईपास करो स्टोरेज को, तो वी कैन डायरेक्टली कम इन टू जस्ट इन टाइम पॉलिसी, एंड बाय यूजिंग दैट वेयरहाउस स्टोरेज एंड अदर जो कैरिंग कॉस्ट है वो सब रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कैन आई से वन पार्ट ऑफ माई 78.22 जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो रिड्यूस होने में हेल्प करेगा। समझ में आया? तो ये हो गया इनबाउंड। तो एक मैंने एक्टिविटी यूज कर लिया, अब चलते हैं दूसरे एक्टिविटी पे। दूसरा है मेरा आउटबाउंड। आउटबाउंड इज बेसिकली रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ गुड्स, टू द डिस्पैच रिलेटेड स्टफ्स ऑफ द गुड्स। तो यहां पे बेसिकली अगर मैं डिस्पैच रिलेटेड बात करता हूं तो अपने को यहां पे जो डिस्पैच है वो क्या हो रहा है पता है कि, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहां पे अपन लोग वीकली डिस्पैच कर रहे हैं टू रिटेल आउटलेट्स बाय इट्स ओन व्हीकल्स। देखो मैं अंडरलाइन करके आपको यहां पर बताता हूं, After production is completed, finished toys are moved to Axis retail outlets by its own vehicles. Each vehicles follow the same time schedule regardless of the weight they are carrying, and then finished toys are sold through X website and dispatched to its distribution center. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि rather than doing this periodically, क्यों ना अपन लोग customer के पास ही directly भेज दें। अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिनिश टॉयज आर मूव टू रिटेल आउटलेट्स और फिर बाद में डिस्पैच हो रहा है। अगर अपन लोग डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करें
देन इन दैट केस वी कैन रिड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, करेक्ट. सो यहां पे अपन फोकस करके बोलेंगे कि भाई डिस्पैच रिलेटेड में रिड्यूस, ट्राई टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट्स, रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट. सो अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट कम होता है तो वो भी हेल्प करेगा मेरे को मेरे टारगेट कॉस्ट पे पहुंचने के लिए, राइट और रॉन्ग. और एक अपन लोग यहां पे सिस्टम ला सकते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, विच इज कॉल्ड एज अ ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. अगर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का सिस्टम आ जाता है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो भी मेरा ऑर्डर्स है डायरेक्टली मेरे को बताए पंच हो जाएगा मेरे सिस्टम में, एंड मैं उसको डिस्पैच कर सकता हूं मेरे कस्टमर के पास, देयर बाय रिड्यूसिंग अगेन द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट. ये और एक मैं सिस्टम यूज कर सकता हूं. एंड थर्ड मेरा जो प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको मैं अब यूज करने वाला हूं, एंड दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स. मैं क्या बोलता हूं कि भाई रिटेल आउटलेट से अच्छा आज की तारीख में तो देखो सब कुछ वेबसाइट ओरिएंटेड है, सो क्यों ना वेबसाइट से बेचे और रिटेल आउटलेट ही बंद कर दे, तो अपना कितना सारा कॉस्ट बच जाएगा. और आजकल कोविड का जमाना है यार, कौन बाहर निकलता है, सब ऑनलाइन ही बैठे हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर दिया, ऑनलाइन ही डायरेक्ट एंड टू एंड डिस्पैच कर दिया यूजिंग माय सिस्टम ऑफ ईडीआई, यूजिंग माय सिस्टम ऑफ जस्ट इन टाइम. बेस्ट आइडिया यार, समझ रहे हो. दूसरा, सो एक तो वेबसाइट ओरिएंटेड कर दो, रिमूव रिटेल आउटलेट्स, सो रिटेल आउटलेट्स का जो भी कॉस्ट है वो उतना रिड्यूस हो जाएगा. सेकेंड थिंग दैट कैन बी डन इज दैट अट्रैक्ट इंटरनेशनल कस्टमर्स. यस भाई साहब, अपन जो यार ये चीज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवी में यूज होने वाली है यार. सो उसका ये जो अपना टॉय है ना, कार्टून टॉय, उसका इंटरनेशनल रीच है. सो अट्रैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल. सो बाय यूजिंग दीज थ्री सिस्टम्स ऑफ वैल्यू चेन, कौन सा तीन ही बोला था ना आपने को, तीनों यूज कर लिया, इनबाउंड, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द सेल्स, देयर बाय रीचिंग टू द टारगेट प्रॉफिट जो अपन लोग ने सोचा था अपनी कंपनी के लिए. आई होप वी आर एब्सोल्यूटली क्लियर. कॉस्ट गैप, वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट, राइट. चलो अब एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं. ये लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो सर, नहीं जरूरत नहीं है, पॉज करके लिख लो, लिखना है आपको तो. और अदरवाइज मैं पीडीएफ इसका शेयर कर रहा हूं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस, ठीक है. चलो आओ अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर. कब यारे, सो देखो सबसे पहले तो कॉस्ट गैप, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट गैप. So, ये अपन लोग ने पहले कैलकुलेट किया टारगेट कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड फिर कॉस्ट गैप मिल गया. एंड हियर इज दिस, द कैसे अपन लोग ओवरऑल वैल्यू चेन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं अपने कॉस्ट्स को. व्हाट आर द मेथड्स, इनबाउंड, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स. इनबाउंड के लिए देखो अपने को रिसीविंग स्टोरिंग वाला जो रॉ मटेरियल है उसका टेंशन था. रिलेशनशिप विद सप्लायर अगर अपन अच्छा करते हैं, वी कैन यूज द जस्ट इन टाइम टेक्निक. जस्ट इन टाइम सप्लायर मस्ट अग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ मटीरियल सप्लाइड. तो ये एक इश्यू, टेंशन खत्म, कॉस्ट रिड्यूस. सेकेंड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए उसमें वो लोग क्या बोले, देखो एट एक शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉयज टू रिटेल आउटलेट्स इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. अब यार जरूरी नहीं है तुमको ये करना कि हर बार तुम हर वीकली टू वीकली डिलीवर करो, डायरेक्ट कस्टमर के पास भी पहुंचा सकते हो, यू विल रिड्यूस द कॉस्ट. सो पोटेंशियली द शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉयज टू रिटेल आउटलेट्स एवरी वीक इज नॉट एन एफिशिएंट वे. सच डिलीवरी डू नॉट कंसीडर वेदर टॉयज रिक्वायर्ड एट रिटेल आउटलेट्स और नॉट, हेंस दोज नॉट रिक्वायर्ड सफर अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये चीज भी अपनी डिस्कस हुई थी. तो वो बोलते हैं कि भाई ईडीआई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एमआईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम डालो जिससे आपका ओवरऑल ट्रैकिंग पता चलेगा आपको, और डायरेक्टली पहुंचाना है आपको अपना इन्वेंटरी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोवाइड द मीन्स बाय विच कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एक्स टॉयज वाया सेल्स वाया रिटेल आउटलेट्स एंड वेबसाइट.
तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले बता रहे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, फिर बेटर वे ऑफ डूइंग इट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, फिर बेटर वे ऑफ डूइंग इट, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आता है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, एंड बेटर वे ऑफ डूइंग इट इज सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट रादर देन थ्रू रिटेल आउटलेट, अट्रैक्ट इंटरनेशनल कस्टमर्स। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो क्या करना है आपको, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब पता है तो अपने को उसका मतलब लिखना है, वो मतलब को कनेक्ट करना है क्वेश्चन के साथ, और एक बेटर इंप्रूवमेंट बताना है। तीन चीज, तीनों के लिए तीन तीन पॉइंट, गारंटीड फुल मार्क्स। आउटबाउंड क्या है उसको दो लाइन में डिस्क्राइब कर दो, अपने को पता है। सेकेंड लाइन में कनेक्ट कर दो क्वेश्चन के साथ। थर्ड लाइन में बेटर वे ऑफ डूइंग इट। थर्ड, मार्केटिंग एंड सेल्स क्या है अपने को पता है, कनेक्ट कर दो क्वेश्चन के साथ, बेटर वे ऑफ डूइंग इट। माय लव, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? विद दिस वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो ऐसे ही मैं आप लोग के समक्ष आते रहूंगा और डिस्कस करते रहूंगा ये सारे क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर मेरे को बताना, एंड आई विल बी मोटिवेटेड टू गिव इवन मोर बेटर। चलो, टेक केयर गाइज, टाइम टू से हास्ता ला विस्ता। यस, डन हा विद दिस होल क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। बहुत जरूरत है आज की तारीख में आपको टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग, बिकॉज अब गेम यहां पे शुरू हो चुका है। टेक केयर, बाय बाय।